में केदारनाथ चार धाम यहाँ पे जो थोड़ा पैसा खर्च करके एसी की टिकट कर लेना आप लोग। दो पाँच मिनट की नींद लगी मोबाइल रुक गया के सोने की चेन हो गया तो बिल्कुल नहीं बैठनी है। अगर रिजर्वेशन भी है तो कोई भी आके बैठ जाएगा उठेगा नहीं। राफ्टिंग करने जा रहे हैं ऋषिकेश, तो रेट है वो कम ज्यादा होता रहता है। ये देखो आप ऊपर बहुत खतरनाक फट रही है मेरी। इंडिया का सबसे बेस्ट राफ्टिंग है, गूगल सर्च कर लेना। गंगे भैया की जय। और आप ड्यूटी देखो ऋषिकेश, बहुत ही खतरनाक लहर आने शुरू हो गई। और ये बन के आए हनुमान जी रामदूत। तीन चार बार तो भाई डुबा दे। और बहुत ही ठंडा पानी, अगर इसी के जाते हो ना तो ये किए बिना बिल्कुल मत जाना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त धौल पाटिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीपी व्लॉग में। और मैं जा रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड में, और वहाँ पे हम लोग जाएंगे केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, और साथ में करेंगे विश्व का सबसे ऊँचा शिव मंदिर तुंगनाथ। और ये सब ऑर्गेनाइज कर रहा है स्मृति टूर्स एंड ट्रैवल्स। बहुत ही अच्छा पैकेज मिला है, 10-11 दिन की ये पूरी ट्रिप होने वाली है। जो सारे जो वीडियोस आएंगे वो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ का प्लान कर रहे हो तो ये सारी सीरीज आप जरूर देखना। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग केदारनाथ के लिए ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो मैं किसके साथ जा रहा हूँ, कौन कौन मेरे साथ है, कितने में जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ रुकूँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सीरीज के द्वारा मैं आपको बताऊँगा। तो ये पूरी सीरीज आप जरूर देखना, आपको बहुत ही काम आएगी। अगर आप केदारनाथ जाते हो घूमने के लिए तो छोटे से छोटे पॉइंट जो दूसरे लोग कवर नहीं करते वो सारे पॉइंट में कवर करने वाला हूँ। और कहाँ पे खाने की व्यवस्था है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ चलना है, क्या क्या लेके जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो बस चलिए चलते। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं रतलाम स्टेशन, और रतलाम पे रतलाम की जो सेब है वो बहुत ही फेमस रहती है। तो हम लोग एक पैकेट लाए हैं, आप देखो अभी पता नहीं कैसी है, हम लोग खा के मैं आपका उसके रिव्यू दूंगा। तो बस अभी टाइम हो गया है, ट्रेन निकलने वाली, तो चलिए चलते अंदर। तो भाई एक इम्पोर्टेंट एकदम सूचना, अगर आप महाराष्ट्र या गुजरात से केदारनाथ हरिद्वार जा रहे हो तो भाई एसी की टिकट करवा लेना, नहीं तो राजस्थान में जो गर्मी होती है ना भाई, मतलब पूरे गीले हो जाओगे बैठे बैठे। तो थोड़े पैसे खर्च कर लेना, इतना खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा पैसा खर्च करके एसी की टिकट कर लेना आप लोग। और एक दूसरी बात, हमारे साथ जो चिराग है, मतलब जो टूरिस्ट के मेन ऑनर है, उनकी सिस्टर का मोबाइल आज चोरी हो गया है ट्रेन में। जब 2-5 मिनट की नींद लगी उसमें मोबाइल उठ गया, तब इन्होंने कंप्लेन भी कर दी। एक अच्छे नागरिक का उन्होंने मतलब एक धर्म निभा दिया, आरपीएफ वालों को बुला लिया, कॉल करके ऑनलाइन कंप्लेन कर दी, उन्होंने रिपोर्ट भी लिख ली। बहुत ही अच्छे से उन्होंने मतलब यहाँ पे कंप्लेन ली। और बस चिराग से सुनते हैं। देखो आप अपने सामान की जिम्मेदारी खुद रख सकते हो, खुद ही रखनी पड़ती है यहाँ पे। और जैसा कि सोने की चेन वगैरह तो बिल्कुल नहीं पहननी है, वो तो बिल्कुल अवॉइड ही करो, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत मारामारी है। एक झपकी लगी और आपका मोबाइल गया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं 4,000 में यात्रा, 5,000 में केदारनाथ, 4 धाम यात्रा, ये वो यात्रा, पॉसिबल नहीं है भाई। ये बंदा मैं देख रहा हूँ खुद, लास्ट 1-2 हफ्ते से इतनी भागा दौड़ी कर रहा है ना, टिकट से लेके खाने से लेके लोग मतलब के साथ बातचीत करके बहुत ही परेशान रहती है। तो जो 4-5 हज़ार में जाते हैं ना, तो उनको बोलना कि क्या क्या कंडीशन है, फिर वहाँ पे जाके पता लगेगा कि साला 4,000 तो उसको दे दिए और बाकी का सारा खर्चा हमारे जेब से जा रहा है। तो वो ध्यान रखना। और अगर अच्छा पैकेज मतलब आपको चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट करना। और भाई अगर मेरा नाम लेके आएगा ना कोई भी तो बहुत ही अच्छे से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो स्मृति टूर्स एंड ट्रैवल्स, यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर कॉन्टेक्ट करना। अभी 4 धाम की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, जो जो मतलब टूर्स के रिगार्डिंग आपको कुछ भी इंक्वायरी रहेगी, आपको बहुत ही अच्छा पैकेज मिलने वाला है। और इस टूर में क्या क्या होगा, क्या क्या ये भाई फैसिलिटीज़ दे रहा है ना, वो सारी इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको वो भी अच्छे से पता लग जाएगा कि 4,000 में क्या मिलता है और हमारे जो पैकेज है उसमें क्या मिलता है। तो बस एक इम्पोर्टेंट सूचना थी। अभी हमारी जो सफ़र है कंटिन्यू करते हैं, हम सुबह उतरेंगे 8 बजे, तो अभी बजे 7:30 जैसा, तो अभी हम लोग डिनर करेंगे। डिनर में क्या आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बस चलो चलते हैं।
तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कम से कम 28 घंटे लगेंगे हरिद्वार जाने के लिए, तो आप ऐसा कुछ टाइम पर सोच लेना। आप देखो यहाँ पे ये कार्ड्स खेल रहे हैं, ऊनो करके कुछ कार्ड है, ये हमारे ग्रुप में ही है सारे। तो ये मैडम उसमें मास्टर है, आप देख लो। तो अभी डिनर में है काकड़ी, चना, पनीर, ये चावल, दाल, रसगुल्ला, और ये है रोटी, और ये है अचार। ये खाना मिलेगा डिनर में। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और 28 घंटे ट्रेन में हो गए और ऑलरेडी 2 घंटे लेट चल रही है ट्रेन। और जैसे मैंने बोला था कि स्लीपर क्लास में बहुत ही खतरनाक गर्मी थी कल। और कहाँ से? मथुरा। मथुरा से आप देखो स्लीपर क्लास की क्या हालत हो गई। आप देखो कहीं से एक पर्सन भी आपको नहीं लगेगा कि स्लीपर क्लास आपने रिजर्वेशन करवाया है। कहीं भी इधर देखो, यही देखो, ये जो ग्रुप है ये भी बड़ौदा से आया हुआ है। और ये लोग भी मतलब पक गए अभी, क्योंकि यहाँ पे 2-2.5 घंटा ट्रेन लेट हो गई, तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं प्लानिंग में। और अपनी जगह पे तो कोई दूसरा भी आके बैठ जाता है। हाँ, और एक चीज, यहाँ पे आपका अगर रिजर्वेशन भी है तो कोई भी आके बैठ जाएगा, उठेगा नहीं। देखो ये आपके सामने ही है, ये आपके सामने ही है, ये सीट हमारी रिजर्वेशन है, कब्जा कर लिया है। तो ये मतलब ये सारी जो सारी चीजें है ना, वो थोड़ी दिमाग में प्रिपेयर करके ही आप यहाँ पे आना। तो बस अभी उतरते हैं हरिद्वार, उसके बाद क्या दिखाता हूँ क्या क्या करना है। फाइनली हम लोग हरिद्वार उतर गए हैं और सबकी हालत मतलब थोड़ी बेकार हो गई है। और मैंने बताया था कि मेरे साथ कौन कौन है और कितने लोग आने वाले हैं, तो मैं आपको मेरी टीम दिखाता हूँ एक बार। तो ये है मेरी टीम, हर हर बस ऐसा ही जोश 10 दिनों तक रखना है, हमें 2 धाम की यात्रा कंप्लीट करनी है, तो बस ऐसे ही जोश बनाए रखना। भगवान का नाम ले लिया है तो अपनी जर्नी जो है, यात्रा है जो है, स्टार्ट करते हैं। यह है हरिद्वार स्टेशन और बस चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग खा रहे हैं गोटा, और ये है परोठा जो यहाँ पे बहुत फेमस है, उसके साथ आया ये अचार। ये सूरत से ही है, गुजराती है, तो उनकी शॉप के एड्रेस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहले हम लोग पहले ये खा लेते हैं। तो ये है स्वामीनारायण फरसान एंड फास्ट फूड, यहाँ पे कॉफ़ी एक नंबर बनाई थी। और आप देख सकते हो ये पूरी गुजराती गली, आपको लगेगा ही नहीं है कि आप हरिद्वार में, आपको ऐसा लगेगा कि आप गुजरात में ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग होटल पे सामान रख के नहा धो के रिवर राफ्टिंग करने जा रहे हैं ऋषिकेश, और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं अभी रिक्शा में। तो यहाँ पे हरिद्वार पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके हम लोग आए हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश 20-22 किलोमीटर है हरिद्वार से, तो अगर आप रिक्शा में आते हो तो उसका 60 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा आपको चार्जेस। और यहाँ पे हम लोग करेंगे रिवर राफ्टिंग, और रिवर राफ्टिंग का क्या सीन है वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। तो पहले चलते हैं रिवर राफ्टिंग पे। रिवर राफ्टिंग जहाँ पे करते हैं मतलब एंड होता है वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अभी यहीं से हमें ले जाएंगे 12 या 16 मतलब जो पैकेज हमने लिया है वहाँ पे। तो यहाँ का जो रेट है वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो अगर मैं कुछ बताऊँगा तो वो सही नहीं रहेगा। तो अभी हम लोगों ने लिया है 12 किलोमीटर वाला, ये देखो आप ऊपर, ये वापस लेके जाएंगे ऊपर, वहाँ से रिवर राफ्टिंग करते हुए नीचे लाएंगे। और ये है हमारे जोशी, और ये है पिंकेश, आज इनका बर्थडे है, तो इनको हैप्पी बर्थडे आप कमेंट में लिख देना। तो कुछ इस तरह से हम लोग बुलेरो में जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। हम लोग 4 लोग ही है और दूसरा ग्रुप कोई रहेगा हमारे साथ 5, तो टोटल 9 लोग हम लोग जा रहे हैं। और ये ले लिया, इसको क्या बोलते पता नहीं, तो बस ऑल द बेस्ट लिख देना मुझे, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। और
एडवेंचर करता रहना चाहिए। इन लोग का भी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी फट रही है, फिर मजा भी आएगा। बता दो आपको एक्सपीरियंस कैसा है। तो अभी चलते हैं फिलहाल। बहन पाँव में पत्थर बहुत खतरनाक लग रहे हैं और मैंने कुछ नहीं पहना है, बहुत खतरनाक फट रही है मेरी। फिर भी मैं जा रहा हूँ क्योंकि एडवेंचर करना है मुझे। ये तो ये मेरा साथी है आज, बस तो चलो चलते हैं। तो यहाँ से ऐसा कुछ ले जाता है बोट, आप देखो, और यहीं से हमें बैठना है नीचे से। ये है गंगा नदी और ये जो राफ्टिंग है वो इंडिया का सबसे बेस्ट राफ्टिंग है, आप गूगल सर्च कर लेना। और बस अभी स्टार्ट करते हैं। अपने पास जो जो महंगी चीजें है वो सारी इस पोटली में डालनी है, वाटर प्रूफ पोटली है ये। गंगे भैया की हर हर, हर हर, हिप हिप, हिप हिप। टेस्ट करेंगे गंगे भैया की। हर हर, हर हर। क्या बोलते कंपनी भाई, अभी जो हम जो है ना इसी केस में रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं और हमारे साथ ये कार्तिक भैया जो बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो भाई इसके लिए एक लाइक कर देना, कार्तिक भैया के लिए एक कमेंट कर देना। उर्मी भाई मेरा बहुत डर रहा था लेकिन अभी बहुत खुश है और ये हमारी टीम है। और सबको हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैडम जाना है भाई, हाँ भाई मैडम जाना है भाई, पानी के साथ ठंडा गरम है। फाइनली ये जो कार्तिक भाई है ना, इन्होंने हमें कैमरा दिया है, अलाउड किया है यहाँ पे निकालने के लिए। और आप ब्यूटी देखो ऋषिकेश की भाई, एकदम गजब। अगर एक बार ऋषिकेश आते हो ना तो जरूर ये करना चाहिए, एक बार तो करना ही चाहिए। कितनी भी फटे, कितना भी मतलब आप मतलब कितना भी डर हो लाइफ में, वो यहाँ पे आओगे ना इसके अंदर एक बार बैठोगे तो सब निकल जाएगा। एकदम एडवेंचर, मतलब बहुत एडवेंचर है यहाँ पे। क्या है, बहुत तेज हवा आने लगी तो साइड में रुके हैं और ये बन के आए हनुमान जी रामदूत। भाई क्या नाम है आपका? मुकेश भाई। यहाँ पे हमें बचा रहे हैं अभी। देखो आप बहुत ही खतरनाक लहर आने शुरू हो गई है भाई, माहौल देखो कितना सही बन रहा है। ओ भाई ये कौन सा झूला है? ये है राम झूला और पीछे गया लक्ष्मण झूला। जो लक्ष्मण झूला जो है अभी बंद है, कुछ काम चल रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे जो है पेमेंट करना है, जो कोकरो से इनके पास रहता है वो फुटेज, इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेते हैं हमारे हमारे फुटेज से। तो बस अभी इनसे पैसा का लेन देन हो जाता है और फिर चलते हैं। तो ये है कार्तिक भाई जिन्होंने हमें रिवर राफ्टिंग करवाया। तो अगर आप ऋषि के साथ हो तो इनको जरूर कॉन्टेक्ट करना भाई, आपका नंबर बता दो 8218269425। जो यहाँ पे भी ब्लेस करवा दूंगा मैं नंबर, तो एक बार जरूर कांटेक्ट करना। बहुत मजा आया भाई, सच्ची में बहुत मजा आया। और अगर एक नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो आपसे ही करेंगे। और शिवपुरी वाला करेंगे, कौन सा? शिवपुरी 18 किलोमीटर है। आज जो हमने किया वो 12 किलोमीटर था, अभी हम जो नेक्स्ट टाइम अगर आते हैं तो शिवपुरी का करेंगे 18 किलोमीटर, और उसमें बहुत ही मजा है ऐसा कार्तिक भाई ने बताया। बस थैंक यू भाई। तो ये है ऋषिकेश का घाट आप देखो, और वो जो आप देख रहे हो वहाँ पे, ये है रामजी झूला, उससे बगल में है लक्ष्मण झूला वो जो अभी बंद है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे एक झूला है वो है जानकी झूला, और वो सामने है घाट, तो वहाँ पे शिव जी की मूर्ति।
और ये राफ्टिंग करके सीधा यहीं पे आते हैं। देखो आप तो ऋषिकेश से अभी हम लोग जा रहे हैं हड़की पौड़ी जहाँ पे होगी गंगा आरती, तो वही देखने हम लोग जा रहे हैं। तो 6:30 बज गए ऑलरेडी, तो जैसे तैसे यहाँ से एक ये रिक्शा की है उसमें हम लोग सब जा रहे हैं। और भाई रिवर राफ्टिंग में सच्ची में बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया। कितनी बार डूबाया? 3-4 बार तो भाई डूबाते हैं, और बहुत ही ठंडा पानी, पर ये एक्सपीरियंस करना चाहिए भाई, वर्थ है एकदम। बहुत ही मजा आया, सच्ची में बहुत मजा आया। अगर इसी के साथ हो ना तो ये किए बिना बिल्कुल मत जाना। और यहाँ पे ये झूला है और बहुत सारे मंदिर है, तो आप घूम लेना। और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती में, तो सीधा चलते हो वहाँ। तो ऋषिकेश से अभी हम लोग सीधा आए हैं गंगा घाट पे, जहाँ पे आरती खत्म हो गई है। तो अभी यहाँ पे घूम लेते हैं, लोग सब घर जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं घाट की तरफ। यहाँ की जो आरती है वो बहुत ही शानदार होती है, तो फिलहाल बस यहीं का मजा लेते हैं और चलते हैं नीचे घाट पे। भैया पानी का जो फ्लो है वो देखो, कितना तेज बहाव है यहाँ। कल केदारनाथ जाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने लिया है ये कुर्ता, और मैंने लिया है अंश के लिए ये कुर्ता। तो कल अपन पहनेंगे ये वाला कुर्ता और जाएंगे केदारनाथ के दर्शन के लिए। तो हरिद्वार में हम लोग आज रुके हैं, तो खाने में है पापड़, रोटी, भाखरी, खमन, कढ़ी, खिचड़ी आएगी, 3 सब्जी है, और ये स्वीट है, और ये मोहन थाल है। अब देखो यहाँ पे छाछ। तो ऐसा कुछ रहा हमारा आज का डे। हरिद्वार से हम लोग ऋषिकेश गए, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग की, पर जब से हमारी ट्रेन लेट हुई तो सब शेड्यूल हमारा लेट ही हुआ। रिवर राफ्टिंग में हम लोग 3 बजे पहुँचे, तो 3 बजे वहाँ पे ले गए, तो 5 बजे तक नीचे आए, और मतलब पूरा डे रिवर राफ्टिंग में ही चला गया। उसके बाद हम लोगों ने गंगा आरती अटेंड करने का बहुत ट्राई किया, और पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक में गंगा की आरती मिस हो गई। तो जब हम रिटर्न होंगे तब ट्राई करेंगे कि मॉर्निंग की आरती हम लोग अटेंड करेंगे। तो बस अभी कल तो सुबह निकल जाएंगे 5-6 बजे हम लोग सोमप्रयाग के लिए। तो बीच में बहुत सारे मंदिर और देखने के प्लेसेस आएंगे, उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा। ये व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो आपको व्लॉग में क्या अच्छा लगा है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ की है तो अपना भी एक्सपीरियंस थोड़ा मेरे साथ शेयर कर देना। तो बस हर हर महादेव लिख देना कमेंट में। तो मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। तो जैसे मैंने सुबह बताया था रिंकल के आज बर्थडे है, तो हम लोगों ने ऐसी केक काफी है। देखो अब पाव केक रात को मिलता नहीं। हाँ रात को यहाँ पे मिलता नहीं है, और लेने गया था विमल, और आप देखो कितना बजा है, 12 बजने को आया है।